गांव की सरकार संवाददाता सुरेंद्र देलू के साथ देखिए टुडे 24 पर। खाजूवाला पंचायत समिति से 3 किलोमीटर दूर सियासर ग्राम पंचायत में भी पंचायती राज चुनाव का प्रचार प्रसार उम्मीदवारों के द्वारा जोर शोर से किया जा रहा है। ग्राम पंचायत सियासर से उम्मीदवार खलील खां के द्वारा घर घर पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। सियासर में 3,394 मतदाता है तो वहीं 3 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। सियासर ग्राम पंचायत में आज भी अनेक समस्याएं नजर आ रही हैं। एक तरफ तो डिजिटल इंडिया के तहत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, तो वहीं ग्राम पंचायत के अनेक की डाढ़ियां आज भी विद्युत से वंचित हैं। ऐसे में सरपंच पद के प्रत्याशी खलील खां का कहना है कि जनता को मिल रहा अपार जन समर्थन के चलते 5 साल तक सरपंच बनाकर सेवा करने का मौका मिलता है तो ग्राम पंचायत में विकास कार्य की गंगा बहाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क, शुद्ध पेयजल, कटान रास्ते व विद्यालय क्रमोन्नत सहित अनेक विकास कार्य करवाए जाएंगे। अपनी पंचायत के तहत टुडे 24 की टीम ने सियासर पहुंचकर ग्राम पंचायत सियासर के प्रत्याशी खलील खां के साथ अनेक मतदाताओं से बात की। हमारे संवाददाता सुरेंद्र डेलू ने पंचायती राज चुनाव 2020 के अंतर्गत खाजूवाला पंचायत समिति की 31 ग्राम पंचायतों के चुनाव चौथे चरण के 10 अक्टूबर को होने हैं, जिसको जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनाव का प्रचार भी लगातार बढ़ रहा है। खाजूवाला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सियासर में इस समय अपनी पंचायत के तहत टुडे 24 की टीम पहुंची है, जहां पर आप देख सकते हैं इस समय कोविड-19 की पालना भी की जा रही है। वहीं सभी ने मास्क लगा रखा है। इस क्षेत्र के अंदर हम जैसे भी पहुंचे तो यहां की अनेक समस्याएं नजर आई। आज भी यह ग्राम पंचायत कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बात करें तो यहां पर 3 उम्मीदवार मैदान में 3,399 यहां पर मतदाता हैं, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की बड़ी समस्या भी नज़र आ रही है, जो है शुद्ध पेयजल को लेकर। आज भी डिजिटल इंडिया के तहत जहां बातें हो रही है, तो इस ग्राम पंचायत में आज भी कई डाणियां लाइट से वंचित है। ऐसे में यहां पर मतदाताओं का कहना है कि हमें ऐसा कैंडिडेट मैदान में उतारा है जो कि इस क्षेत्र की समस्याओं को हल करवा सके। हम ग्राम पंचायत सियासर में पहुंचे हैं तो इन मतदाता हमारे बीच में है, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में मतदाता भी यहां पे पहुंचे हैं। तो ग्रामीणों की कहीं ना कहीं समस्या नज़र आ रही है, हम इनसे जानना चाहते हैं किस तरीके की समस्या आने वाली जो सरकार चुनेंगे 10 अक्टूबर को, इनको ग्राम पंचायत में कैसी सरकार चाहिए। आप इस ग्राम पंचायत के हैं, इस क्षेत्र के अंदर क्या समस्याएं नज़र आ रही है? यहाँ पे हमारे जो क्षेत्र में समस्या है वो शुद्ध पेयजल को लेकर है और सड़कों को लेकर है और शिक्षा को लेकर है। ये हमारी जो क्षेत्र पर से दृष्टि से बहुत बड़ी पंचायत है। यहाँ पे रास्तों का काम होना है, ग्रेवल का काम होना है, डाट कवरिंग का काम होना है, बहुत से कार्य ऐसे हैं शेष पड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा प्रतिनिधि चुने जिससे हमारा विकास हो सके इस ग्राम का। अगर बात करें तो खाजूवाला पंचायत समिति से मात्र 4 किलोमीटर यह दूर पंचायत है, इस समय आज भी कहीं भी कोई सुविधाएं नज़र नहीं आ रही है। शुद्ध पेयजल व सिंचित इलाका होने के साथ डाट कवरिंग की भी एक बड़ी समस्या है। कच्ची सड़कें हैं यहां पर है, जिसकी पक्की करवाने की भी गुजारिश की जा रही है। यहाँ के मतदाताओं का कहना है कि बड़ी समस्या जो सिंचित इलाका होने के साथ डाट कवरिंग की एक बड़ी समस्या है। यह क्षेत्र आज भी कई सुविधाओं से वंचित है। डाट कवरिंग है या कच्ची सड़कें हैं, जो नहरें आ रही है उसके अंदर सिल्ट जमा हो जाती है। आप किस तरीके का सरपंच बनाना चाहेंगे ताकि आपके क्षेत्र का विकास करे हो? मार तो साहब GSF लगायो थारो भगवान बोलो करे सड़क बना दो। आरी समस्या ज्यादा है मारे, पानी खाड़ा है जगह बुरी जगह, कई जगह कच्चा खाड़ा है जगह, बाकी पड़े और डाट है जगह टूट गई। सुनिए आप, बिल्कुल इनका कहना है कि आज भी इस ग्राम पंचायत में कई डाणियां लाइट से वंचित हैं। इनका कहना है कि इस क्षेत्र को लाइट से जोड़ा जाए ताकि आज की डिजिटल इंडिया की जहां बात हो रही है, इस क्षेत्र के अंदर विद्युत दी जाए व GSS लगाकर इस क्षेत्र के कार्य को क्रियान्वित किया जाए। हमारे साथ यहां पर ग्राम पंचायत सियासर से सरपंच उम्मीदवार खलील खां मौजूद हैं। कोविड-19 एक बड़ी चुनौती रहेगी आपके लिए, आप मतदाताओं से क्या अपील करते हैं? मैं सभी मतदाताओं को ये अपील करता हूँ मेरी तरफ से कि महामारी कोविड के ध्यान रखते हुए मशक लगा के और ये अपने को मतदान करना है, और ये भीड़ भी जाए कि जुटे वहाँ भी मशक का और विशेष तौर ध्यान रखते हुए और करें। और दूसरा नंबर ये है कि विकास कार्य की जो बात कह रहे हैं, आम से जो बात आ रही है, तो मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि ये मेरी कामयाबी नहीं, ये पूरी मेरी पंचायत 3,399 मतदाता है, इनकी ही कामयाबी है। यदि इन विश्वास यदि जीता के जुटते हैं और इनको विजेता मिलती है, तो मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि सबसे पहले तो मैं शिक्षा के मामले में कहूँगा कि मेरी यहाँ 9-10 स्कूल आबादियाँ हैं,
वहाँ जो स्कूल है उसका क्रमान्वित करवाना, उसकी चार दीवारी और उसके नए भवन। और अभी भी मैंने 1 करोड़ के करीबन 8-9 कमरे नए भवन ला के सेंक्शन करवाए हैं और ये काम अभी चल रहा है और ये तो जल्दी पूर्ण हो जाएगा। और उसकी चार दीवारी की पंचायत हेडवर का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मेरा, वो भी चार दीवारी से बची थे, चार दीवारी भी उनकी सेंक्शन करवाया जाएगा। नंबर 2, हमारे ये रेगिस्तान का एरिया है और टिब्बा सैंड है और रास्ते की सबसे बड़ी समस्या है रास्तों की, कटान सुधे जितने भी रास्ते हैं उनके सब पे पक्का सड़क बनवाई जाएगी ग्रेवल, और जहाँ डैमर सड़क की आवश्यकता है, मुख्य सड़क है, तो वहाँ डैमर सड़क का विकास काम करवाया जाएगा सेंक्शन का। नंबर 3, खालों की डाट कवरिंग और कच्ची शाखों को पक्की करना, ये भी हमारा प्राथमिकता रहेगी। और CSR माइनर 0 से लेकर टेल तक, ये मेरा लक्ष्य है कि 1 साल और 1.5 साल के अंदर अंदर ही कंप्लीट कार्य करवा दिया जाएगा। नंबर 4, सबसे बड़ी ये कृषि क्षेत्र है और हमारी लाइन कम से कम 20 पंचायतों का GSS है और फॉल्ट आए दिन फॉल्ट होता है, एक जगह कहीं भी फॉल्ट हो जाता है तो वो हमारी प्रायोरिटी जो है वो 3-4 दिन पिट जाती है। और GSS यहाँ 132 KV का स्वीकृत करवाया जाएगा और प्रपोजल भी हमने एस्टीमेट बनवा दिया है और 4 लाइनों का GSS बनेगा ताकि एक ही ग्राम ऐसा पहला होगा खाजोला के अंदर जो GSS CSR में बनेगा, वो भी 4 लाइनों का GSS बनवाने जा रहा हूँ और एक लाइन यदि फॉल्ट होगी तो दूसरी चालू, दूसरी होगी तीसरी चौथी, तो लाइट की ये मूल जड़ से ही इसका बीमारी खत्म की जाएगी। शुद्ध पेयजल एक बहुत बड़ी समस्या है। शुद्ध पेयजल की बात आती है, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमारी 10 आबादी है पूरी ग्राम पंचायत के अंदर, बड़ी बड़ी आबादी है, बड़ा क्षेत्रफल है, तो वो हमें टोटल में सब 10 आबादियों में मैंने सभी सर्वे करवा भी लिया है और इनकी पेयजल के लिए GLR और पाइपलाइन का शुद्ध पेयजल का कार्य करवाया जाएगा। बिल्कुल, सियासर ग्राम पंचायत के उम्मीदवार खलील खां का कहना है कि इस समय जो भी सुविधाएं नज़र नहीं आ रही है, अनेक सुविधाओं से यह वंचित है। लाइट, पानी, चिकित्सा, शिक्षा क्षेत्र के अंदर इस क्षेत्र के अनेक कार्य करवाने हैं। अगर बात करें तो सियासर के अंदर डाट कवरिंग का भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, शुद्ध पेयजल नहीं है। चिकित्सा और शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर विद्यालय कर्मोन्नत नहीं हो रहे हैं। 4 दीवारियों की भी एक बड़ी समस्या है। भूमि आवासीय पट्टे व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाला और नरेगा के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार भी हो रहा है। इनका कहना है कि जैसे ही अगर विश्वास जताकर मतदाता मुझे वोट देते हैं और आने वाली 10 तारीख को अगर मैं सरपंच के रूप में विजय होता हूं तो इस क्षेत्र के विकास कार्य करवाने के साथ साथ सरकार की योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वित करने की हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। टुडे 24 के लिए सुरेंद्र डेलू, बीकानेर, खाजूवाला।